15 अगस्त से पहले भड़काऊ ऑडियो क्लिप एक वायरल हो रहा है और इस ऑडियो क्लिप में देश के एक विशेष धर्म को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऑडियो क्लिप इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है और ये सेशन आपसे अपील करता है कि ऐसे किसी भी ऑडियो क्लिप के बहकावे में ना आए, ऐसे किसी भी भड़काऊ भाषण के बहकावे में ना आए जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश में लगी है। मेरा नाम यूसुफ अली है और मेरा ये पैगाम भारत में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के नाम है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर कर रही है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोकें। हमें सिख बहन भाइयों से सबक सीखना चाहिए जो अपनी आजादी और अलग मुल्क खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क उर्दिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। और दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह, साजिश रचने और देश का माहौल खराब करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता वाजिद अली। देश के एक समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने के लिए अनजान नंबरों से कॉल आ रही है। उस कॉल में लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपने अलग देश की मांग करें और 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लाल किले पर झंडा फहराएंगे तो उन्हें झंडा फहराने से रोका जाए। इस पूरे मामले के ऊपर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला जो है देशद्रोह के तहत आता है, जिसके अंदर जो है स्पेशल सेल की टीम लगातार ये जांच कर रही है कि आखिर ये जो कॉल आ रही हैं ये कॉल कहाँ से आ रही हैं। जहाँ तक अभी तक पता चला है ये सारी कॉल जो है इंटरनेट के माध्यम से की जा रही हैं और इस ऑडियो क्लिप ये जो जारी हुई है इसके बाद जो देश के धर्मगुरु हैं उन धर्मगुरुओं का साफ तौर पे यही कहना है, लोगों से उन्होंने अपील की है कि ऐसी कॉल पर ना जाएं और किसी के भड़कावे में ना आएं, क्योंकि ये जो कॉल की जा रही हैं ये असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही हैं और साथ ही साथ इसके पीछे जो है आतंकवादी गतिविधि भी हो सकती है, जिसके चलते जो है दिल्ली पुलिस ने भी कहा है इस पूरे मामले के अंदर कोई कोताही नहीं बरती जा रही और सख्ती से जांच की जा रही है ताकि ये जो कॉल करने वाले लोग हैं वो बेनकाब हो सकें और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो सके। 15 अगस्त का वक्त है तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है और देश के जो कई राज्य हैं जहां पर भी ये कॉल आ रही हैं वहां पर भी एक तरीके से अलर्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ऐसी कॉल के झांसे में ना आए और देश में एकता बनाए रखें। फिलहाल जो है स्पेशल सेल की टीम जो है और दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की सख्ती से जाँच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। धमकी भरे कॉल किस तरह से सामने आए हैं और साथ ही एक्शन में अब पुलिस नजर आ रही है, इसीलिए लगातार न्यूज़ नेशन भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बातों के झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि हिंदुस्तान की जो आबो हवा है उसमें जहर घोला जा सके और इसके लिए हमें आपको हर किसी को सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। और लखनऊ में भी इस तरह के फोन कॉल्स की शिकायत मिली है। 15 अगस्त से पहले इस तरह के धमकी भरे फोन कॉल्स आखिर कौन कर सकता है और पुलिस इसे लेकर किस तरह की कार्रवाई कर रही है, बता रहे हैं यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार। प्रदेश पुलिस और हमारी जो अपनी एजेंसीज हैं और अन्य जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्द ही ये इस केस का भी हम पर्दाफाश करेंगे और इसकी गहन विवेचना चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि खासकर मुख्यतया ये पत्रकार बंधुओं को टारगेट करके सूचनाएं मतलब सूचना दी जा रही है या वॉइस मेल दी जा रही है। स्थानीय थाना हजरतगंज में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और हम लोगों ने एक नंबर भी दे रखा है कि जिस किसी के पास भी इस तरह के कॉल आते हैं उसका डिटेल वहां दें